मिट्टी से बना हुआ ये शरीर जिसके रंग रूप पर इंसान हमेशा भेदभाव करता है, वो शरीर जिसके होने से इंसान की पहचान होती है और जिसमें प्राण रहने से इंसान का अस्तित्व होता है। लेकिन क्या होगा अगर इंसान के इस शरीर में से उसके प्राण ही निकल जाए। कहानी शुरू होते ही हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें बैठा है एक साइंटिस्ट और जिसका नाम है स्टीफन। स्टीफन को खबर मिलती है कि कल रात की आंधी के कारण एक पासे के दरिया किनारे से एक बहुत बड़े इंसान की शरीर बहकर आया है। साइंटिस्ट होने के कारण स्टीफन को ये बात मजाक लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों द्वारा कहने से स्टीफन को रहा नहीं गया और ये देखने के लिए आ गया। वहां जाने के बाद स्टीफन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि वो जायंट इतना बड़ा था कि उसको देखकर उसकी उम्र बताना भी मुश्किल था। उसके चेहरे को देखकर स्टीफन को लगा कि ये काफी शांत और सभ्य किस्म का इंसान होगा। उसके शरीर और उसके आकार को देखते हुए स्टीफन को यकीन हो गया कि ऐसी चीजें भी दुनिया में होती है और इसकी दुनिया वाकई में कितनी बड़ी और खूबसूरत होगी। लोग इसके बाद इसके शरीर पर चढ़ने लगे थे और वो इतना बड़ा था कि बच्चे उसकी छाती पर खेल रहे थे। स्टीफन ये सब दूर से बैठकर देख रहा था और ये सोच रहा था कि यह आदमी सोया हुआ लगता है और यह अभी जाग जाएगा और इसके आसपास सभी इंसानों को पैरों तले रोंग डालेगा और खड़ा होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई उस जायंट का आकर्षण धीरे धीरे कम होता गया और सभी लोग घर चले गए और उन लोगों के साथ स्टीफन भी अपने घर चला गया और 3 दिन बाद वापस आया क्योंकि उसके जायंट के प्रति इंटरेस्ट के कारण उसकी टीम ने ये सोचा कि इसी को इसकी रखवाले के लिए रख देना चाहिए। 3 दिन बाद भी स्टीफन की नजरों में वो इंसान अभी भी जिंदा था, लेकिन आज समुद्र के किनारे लोगों की संख्या थोड़ी कम है। बच्चे अभी भी उसके शरीर के साथ खेल रहे हैं और कुछ इंजीनियर लोग उसके शरीर को कैसे काट के हटाए ये प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि इसके सड़ने से पहले इसके शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए। अगले दिन स्टीफन जानबूझकर दोपहर के समय पर जाता है ताकि यहाँ पर लोगों की भीड़ कम हो और आज उस जायंट के शरीर में भारी बदलाव देखता है। वो देखता है कि समुद्र के खारे पानी में ज्यादा रहने से और इसके टिश्यू के फूलने से वो कम जवान लगने लगा है और उसकी लाश धीरे धीरे सड़ने लगी है, जिसकी वजह से स्टीफन पहली बार उसके शरीर पर चढ़ने की हिम्मत करता है। वो चढ़कर सोचता है कि इस आदमी ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। शायद इतना दर्द हुआ होगा कि उसको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये दर्द उसने अकेले ही सहा होगा। आगे हम देखते हैं कि लोगों ने अब उसके शरीर की कटिंग शुरू कर दी है और सबसे पहले उसका हाथ काटा है। इसका हाथ कटने के बाद इसकी शरीर की बर्बादी शुरू हो गई है और धीरे धीरे इसके शरीर के बाकी के अंग भी कटना शुरू कर दिए गए हैं। ये सब देखकर स्टीफन सोचता है कि इतना विशाल का शरीर होने के कारण भी इसके शरीर का जो अपमान हुआ है, इसकी वजह से मुझे ये और भी इंसानों की तरह लगने लगा है, कमजोर और लाचार, जिसकी वजह से आसपास के सभी इंसानों का इस पर कोई डर नहीं है और वो सभी बिना डरे इसके शरीर की काट चाट कर रहे हैं और तरह तरह की आकृतियां बना रहे हैं। लेकिन स्टीफन को तब सुकून मिला जब उसने देखा कि अब उसका सर भी काट के हटा दिया गया है, जिससे कि अब किसी को उसके चेहरे की बेबसी और मासूमियत दिखाई नहीं देगी। कुछ दिनों बाद उसके शरीर में कोई भी ऐसी बात नहीं रही थी कि लोगों को आकर्षित कर सके, मानो कि लोग अब इस घटना को भूल से गए हो। अब इस घटना को बहुत समय बीत चुका है और लगभग इस जायंट को सभी लोग भूल चुके हैं, लेकिन शहर में जगह जगह उसके शरीर के हिस्से दिखने लगे थे, खास करके उसके शरीर की हड्डियां लोग अपनी दुकान पर सजाने के लिए रखते थे। शहर के जगह जगह पर उसके शरीर के अवशेष दिख जाते थे। जहाँ तक लिंक का सवाल है, उसे शहर के एक छोटे से सर्कस में सजा के रख दिया गया था और उसे किसी वेल के लिंग के नाम पर प्रस्तुत किया जाता था। स्टीवन सोचता है कि क्या हो अगर वो जायंट वापस आ जाए और इस शहर में फैले जगह जगह पर सभी उसके अवशेषों को साथ ले जाए। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की क्रूरता और उनके नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से ये जायंट सबसे पहले सबको दिखा था, वो सब इससे डर रहे थे क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा था और काफी खतरनाक दिख रहा था। लेकिन जब इंसानों को पता चल गया कि ये मर चुका है, लोगों ने इसको खिलौना बना दिया या फिर बेचने वाला सामान बना दिया। सब ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी, लोगों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। दरअसल इंसान इस जायंट की बॉडी को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं दिखता, क्योंकि जब उसकी बॉडी को सड़ने के बाद खा रहे थे, उसी तरह इंसान भी उसकी बॉडी पार्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि अपने पैसे कमाने के लिए वो झूठ भी बोल रहे थे। इस कहानी के बहुत सारे मीनिंग्स है
और हर कोई इंसान इस कहानी को अपनी अपनी तरह से समझ सकता है। जैसे कि इस कहानी को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इंसान कितना भी बड़ा और ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला हो या फिर कितना भी खूबसूरत या बदसूरत हो, उसका अंत निश्चित है। और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी।